हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, रेसलमेनिया 35 कुछ लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लगा और कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। बट गाइस, आप सबको बता दूं कि भले ही हमें देखने में लग रहा था कि रेसलमेनिया में सारी चीजें आराम से चल रही है, लेकिन ऐसी दो काफी ज्यादा सीरियस चीजें हो चुकी है जो कि आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो वो चीजें कौन सी है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि क्या रही इस वीक की WWE की पावर रैंकिंग। इसके अलावा स्मैकडाउन आफ्टर रेसलमेनिया को उनके व्यूअरशिप में घाटा हुआ है या फिर फायदा। और इससे भी पहले मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ एक काफी बड़ा थैंक्स, क्योंकि आप सबके एक जबरदस्त सपोर्ट के वजह से हमारी YouTube फैमिली को मिल चुका है अपना सिल्वर प्ले बटन। और इसका हकदार मैं अकेला ही नहीं, आप सब भी है। और अब बस पता ही है हमें अगले स्टॉप में क्या करना है, यानी कि इस सिल्वर को कन्वर्ट करना है गोल्ड में। खैर, वो तो काफी दूर की बात है, बस आप सबको सपोर्ट ऐसा रहा तो वहां भी जरूर पहुंच जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने WWE न्यूज के ऊपर। तो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीक की WWE की पावर रैंकिंग के बारे में। तो गाइज, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, नंबर वन पर है कॉफी किंगस्टन, क्योंकि वो डैनियल ब्रायन को हरा कर बन गए थे WWE चैंपियन। नंबर टू पर है द मैन बेकी लिंच, क्योंकि उन्होंने रोंडा राउजी एंड शार्लेट फ्लेयर को हरा कर जीत लिया था रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। नंबर थ्री पर है द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस, क्योंकि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हरा कर जीत लिया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप। नंबर फोर पर है जैक रैडर एंड कर्ट हॉकिंस, क्योंकि उन्होंने जीती थी टैग टीम चैंपियनशिप। एंड लास्ट नंबर फाइव पर है द आइकॉनिक्स। तो गाइस, ये तो थी इस वीक की WWE की पावर रैंकिंग। और अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो की है इस वीक की स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप से। तो गाइस, हम सब ने देखा कि इस वीक के स्मैकडाउन लाइव में हमें काफी सुपरस्टार मिसिंग देखने को मिले, बट मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार वहां पहुंच चुके थे उनकी कमी पूरी करने के लिए। और बात करें कि क्या वो कमी पूरी कर पाए या फिर नहीं, तो हाँ गाइस, वो कमी पूरी करने में सक्सेसफुल रहे, क्योंकि जहां पर पिछले वीक की स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप थी 2.141 मिलियन व्यूअर्स, वो अब 2.7% बढ़कर हो चुकी है 2.199 मिलियन व्यूअर्स। यानी कि इस वीक के स्मैकडाउन लाइव की व्यूअरशिप में हो चुका है फायदा अगर हम कंपेयर करें लास्ट वीक से। तो अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि कौन सी है वो दो सीरियस चीज जो कि हो चुकी है रेसलमेनिया 35 में। तो सबसे पहले बात करें पहले की, तो पहली जुड़ी है साशा बैंक्स से। तो हम सबने देखा था कि रेसलमेनिया में बेली एंड साशा बैंक्स हार गई थी अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप आइकॉनिक्स के अगेंस्ट। लेकिन गाइस, आप सबको बता दूं कि WWE के पहले प्लान्स यही थे कि साशा बैंक्स एंड बेली रिटेन करने वाली है अपनी चैंपियनशिप रेसलमेनिया में, बट एंड मौके में प्लान्स की चेंज की वजह से साशा बैंक काफी ज्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने WWE से अपनी रिलीज की डिमांड कर ली। और आप सबको बता दूं कि इसके रिलेटेड अपडेट ऐसी आ रही है कि WWE ने रिलीज नहीं किया साशा बैंक्स को, उन्होंने साशा बैंक्स को भेज दिया है वैकेशन पर। यानी कि WWE अपने तरफ से पूरी कोशिश करने वाली है साशा बैंक्स को रोकने की। और आप सबको बता दूं कि साशा बैंक्स ने अपने सोशल मीडिया पर WWE को अनफॉलो कर कुछ और रेसलिंग कंपनीज को फॉलो कर लिया है, जैसे कि AEW। इसलिए अब देखना होगा कि आगे साशा बैंक्स के साथ क्या कुछ होता है। तो अब बात करें दूसरे सीरियस चीज के बारे में, तो गाइस वो जुड़ी है ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस, हम सब ने देखा कि ब्रॉक लेसनर अपने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच को हार गए थे जो कि था रेसलमेनिया 35 में। बट आप सबको बता दूं कि रेसलमेनिया के बैक स्टेज में विंस मैकमैन और ब्रॉक लेसनर के बीच एक काफी तगड़ी बहस हो गई थी इस बात को लेकर कि ब्रॉक लेसनर का मैच रेसलमेनिया में स्टार्टिंग में क्यों रखा गया। यानी कि भले ही हमें स्टोरी लाइन के रूप में ये देखने को मिले कि पॉल हेमन ने आकर कहा कि ब्रॉक लेसनर चाहते हैं उनका मैच स्टार्टिंग में हो ताकि वो सेथ रॉलिंस को जल्दी ही हरा कर अपने घर की तरफ जा सके, बट एक्चुअल में तो कुछ और ही हुआ है जो कि मैंने आप सबको बता दिया। यानी कि ब्रॉक लेसनर नहीं चाहते थे कि उनका मैच रेसलमेनिया के स्टार्टिंग में हो। तो गाइस, यही थे वो काफी दो सीरियस चीजें जो कि अभी WWE में चल रही है। लेकिन गाइस, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी चीजें सबसे ज्यादा सीरियस लगी, पहली साशा बैंक्स की या फिर दूसरी ब्रॉक लेसनर की। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।